नमस्कार मित्रों, राज जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो जो है वो आपके यूपी एपीओ के लिए एक मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट है यूपी एपीओ के लिए। इसमें कुछ प्रश्नों की संख्या आपको 150 मिलेगी और उस 150 प्रश्नों में से लॉ के आपको 100 नंबर के होंगे, मतलब 100 प्रश्न होंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन एक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। और शेष 50 प्रश्न जो होंगे वो जीएसजीके के होंगे। तो इसी में आपको 150 प्रश्न हो जाते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक नंबर प्राप्त होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको एक तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे सही वाले में से। तो उस हिसाब से ही आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा। हालांकि क्वेश्चन पेपर मैंने ईजी ही रखा है ताकि सेल्फ असेसमेंट आप शुरू में करें कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है और कितना और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस करने के बाद यदि आपका नंबर 100 से ऊपर आता है तो ही आप मानिएगा कि संतोषजनक प्रिपरेशन है और आप लड़ाई में हैं। 100 से नीचे अगर आ जाते हैं तो समझिए कि अभी और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये असेसमेंट का एक मैंने आधार रखा है जिसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप तक हमारी बातें पहुँच रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और आपको दे दूं कि अनअकैडमी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन कराता है, और इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुडिशियरी से रिलेटेड यानी लॉ से रिलेटेड भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी भी प्रिपरेशन कराता है, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो एपीओ हो, चाहे एचजेएस हो, चाहे पीसीएसजे हो, सारी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कराता है। और इस क्रम में वो यूपी और बिहार के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ भी वो कंटिन्यू किए हुए हैं और वो बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं केस लॉ बेस्ड टेस्ट भी इस पर होते रहते हैं, तो आप उस टेस्ट का भी लाभ ले सकते हैं। यूपी और बिहार जुडिशियरी के लिए एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, 1 ईयर का है, जो कि 1 जून से ही शुरू हुआ है, और ये एजुकेटर जैसे मैं भी हूँ इसमें उसे चला रहे हैं। और सारे सब्जेक्ट जो यहाँ के सिलेबस में हैं वो पढ़ाए जाएंगे आपको, जीएस और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, तो सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा इस बैच के अंतर्गत। उसके अलावा सारथी एक बैच भी है जुडिशियरी के लिए, 13 जून से शुरू हुआ है। एक और फाउंडेशन बैच है जो अभी 22 जून से शुरू होगा। तो इस तरीके से तमाम बैच आपको इस पर शुरू होते रहते हैं। देखिए, ये मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें इस पर होती रहती हैं। और इतना ही नहीं, ये अन्य प्लेटफार्म से इस वजह से भी बेटर है कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बाद आप हैंड रेज करके आप टीचर से बात भी कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लें, ये देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने के ऑप्शन हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, कोई भी आप ले सकते हैं ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है बिना इंटरेस्ट के। एक चीज़ और करिएगा आप कि अगर आप इस राय लॉ 10, नीचे जो ब्लू कलर में लिखा है उसको मत करिएगा, तो राय लॉ 10 अगर आपने कोड यूज़ किया सब्सक्रिप्शन लेते समय RAILAW10, तो आपको चाहे किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना होगा 10% का डिस्काउंट आपको ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसमें कोई कंडीशन छिपी हुई नहीं है, तो आप उम्मीद है कि आप इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। तो अब चलिए, अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं हम लोग और तैयार हो जाइए अपने प्रश्न का जवाब देने के लिए। पहला प्रश्न है, अपोहन प्रशासित किया जाता है, आप ऑप्शन देख लीजिए, उसको देख करके सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, बीसीजी का टीका है,
छह रुक के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, कोलोजन जो आधुनिक कॉस्मेटिक सेल चिकित्सा में झुर्रियों को दूर करने और होठों को फुलाने में प्रयुक्त होता है, एक संरचनात्मक प्रोटीन होता है, निम्न किस एक में प्रचुरता से प्राप्त नहीं किया जा सकता? त्वचा, अस्थि, कंडरा। सही ऑप्शन है अस्थि। निम्न में से कौन पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? रजमनामा फारसी अनुवाद है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचारार्थ हिंदी का प्रयोग किया? नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। समान नागरिक संहिता का प्रचलन है। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नांकित बंदरगाहों में कौन सा समूह क्रम में है? दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से श्रीनगर एवं पोरबंदर से सिल्वर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे। विद्युत लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ऐसा बंदरगाह है वृहद बंदरगाह के अंदर को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? दिन और रात्रि होने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है
अत्यधिक क्षरित हो रही है। किस वजह से? कौन सा गैस है? क्वेश्चन नंबर 19, भूमंडलीय उष्णता के कारण भूगत जल स्तर बढ़ गया है, हिमनद द्रवीमत होने लगे हैं, आकस्मिक मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, मानव स्वास्थ्य का पर कुप्रभाव पड़ रहा है। डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मद में से भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त होता है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी पद है। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार है। US ओपन 2021 के संबंध में सही कथन है। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है कहाँ से? निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ निम्न स्थानों में से किस एक में स्थापित किया गया? प्रथम वित्त आयोग संगठित किया गया था वर्ष 1996 के लिए निम्न विधियों में से किस एक का प्रयोग भारतीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त संसाधनों के बंटवारे में भारत का वित्त आयोग निम्न में से किस पर विचार करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाने वाले महिलाओं में महिलाओं की आवश्यकता न्यूनतम संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कथन ए कथन कारण आर, आप देखिए और बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स डॉस विंडोज उदाहरण हैं। भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सर्वोच्च नियामक हैं। कंप्यूटर व्यवस्था को विभिन्न देशों के से सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। इसरो द्वारा निम्न सैटेलाइटों में से किस एक का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? दूरस्थ नियंत्रण युक्ति में होता है। निम्न में से सौर मंडल के किस ग्रह के दो नए उपग्रहों को कैसिनी स्पेस प्रोब द्वारा पाया गया है? लक्ष्य जिससे हाल में भारतीय सुरक्षा सिस्टम में सम्मिलित किया गया है वह है। टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि किस टीम ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन से देश शीर्ष पर हैं? पीवी सिंधु ने 2022 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? वर्ष 2022-26 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किस देश ने किया? आइसलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस वेरिएंट B1.529 को चिंता का संस्करण के रूप में नामित किया है।
जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश ने सफल परीक्षण किया? किस अजमानती अपराध के लिए किसी अजमानती अपराध के लिए किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार की आशंका करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह निर्देश दे सकता है कि आप ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन बताइए। क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित किया जा सकता है? यदि हाँ तो किसके द्वारा एवं किस प्रावधान के तहत? दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान अपील से संबंधित नहीं है? गलत उत्तर बताइए। उद्दापन के अपराध निम्न में से किसके विषय में नहीं किया जा सकता? न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यदि संभव हो तो धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण मृत शरीर को स्पर्श करने या हटाने से पूर्व किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का तद विषयक उपबंध है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 175 किससे संबंधित है? व्यावसायिक विषकरण की घटना होने पर कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा अंत्य परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले शव की प्रक्रिया प्रावधानित करता है? उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के विलुप्त पैरा हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 64।
किसी व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच हेतु भेजते समय पुलिस अधिकारी को ऐसी परीक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम में यह उपबंधित है। पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि वह चिकित्सा अधिकारी के समक्ष अनावश्यक रूप से मामलों का प्रेषण रोकने हेतु उचित कदम उठाए। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का तद विषयक उपबंध है। संसद सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों को गिरफ्तार करने से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस पैरा के अंतर्गत दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश विधियम का चिकित्सीय विधिक मामले से संबंधित उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 68। आशंकित विषपान के मामले में निम्नलिखित पदार्थों एवं वस्तुओं में से किसे पैरा 139 में था नियत ढंग से एकत्रित एवं व्यवहारित किया जाना चाहिए? किसी व्यक्ति की अचानक या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या किसी व्यक्ति की हत्या हो जाने पर उसकी मृत्यु के कारणों तथा मृत्यु की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की कार्यवाही को क्या कहते हैं? ऐसे समस्त शव जिनकी परीक्षा अपेक्षित है भेजे जाएंगे। ऐसे मानव शव जिसकी शिनाख्त ना हो सकी हो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा अन्वेषण अधिकारी के शव तथा घायल व्यक्तियों की परीक्षा करने में चिकित्सा अधिकारी की सहायता करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का प्रावधान करता है? मृत्यु समीक्षा तथा अंत्य परीक्षण संबंधी प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम की किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? शव ले जाने हेतु प्रयुक्त खोली का प्रयोग चायल व्यक्तियों को ले जाने हेतु कभी नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का तद विषयक उपबंध है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई अंत्य परीक्षा रिपोर्ट की द्वितीय प्रति किसे दी जाएगी? चिकित्साधिकारी द्वारा तैयार की गई अंत्य परीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति किसे भेजी जाएगी? भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? निम्नलिखित केस में से कौन सा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है?
उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किसमें कहा गया है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती? आपराधिक षड्यंत्र पर निम्नलिखित एक वाद है। निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है? सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85। और एक पुजारी जानते हुए कि एक व्यक्ति का दूसरा विवाह संपादित करता है और दोषी है, और अपने नौकर से बौ की पिटाई करने को कहता है, नौकर ने पिटाई कर दी और दोषी है, एक विदेशी ब को गोवा में एक हत्या करने के लिए प्रेरित करता है और हत्या के दुष्प्रेरण का अपराधी है। क्वेश्चन नंबर 87। क ख को ग का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है, ख घर को जला देता है तथा उसी समय वहां संपत्ति की चोरी कर लेता है, क्या क दोषी है? और स को पीटने के लिए ब को दुष्प्रेरित करता है, तत्पश्चात अ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां ब स को पीट रहा है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अदोषी है? क एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, इसके लिए क भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थों में यह कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91। साक्ष्य विधि है, आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों से संबंधित संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पहचान परेड का तथ्य सुसंगत होता है।
क पर किसी अमुक दिन कलकत्ता में हत्या का आरोप है। क का कथन है कि वह उस दिन लाहौर में था। क का उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से में सुसंगत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत है? कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित किए माने जाएंगे यदि यह किसी अभिरक्षा से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विशिष्ट मामलों में समुचित समझता है? गलत कथन को इंगित करना है। क्वेश्चन नंबर 99। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, सूत्र संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की प्रवृत्ति वृत्तिक सूचनाओं से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस निर्णय में बाल साक्षी के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया संबंधित न्यायालय के कर्तव्य को प्रतिपादित किया गया है? डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है भारतीय दंड संहिता की। निम्नलिखित किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मृत्यु दंड केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 104। डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मृत्यु दंड केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए? भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दृश्य रतिकता के अपराध से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा किए गए संशोधन के पश्चात सामूहिक बलात्संग का अपराध धारा में दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता में जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और एक भिन्न कार्य किया जाता है, वहां दुष्प्रेरक निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी पुरुष द्वारा महिला का पीछा करना दंडनीय है? भारतीय दंड संहिता में जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और एक भिन्न कार्य किया जाता है, वहां दुष्प्रेरक निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें मृत्यु दंड तक का दंडादेश बलात्संग के अपराध के संदर्भ में दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित प्रमुख प्रकरणों में से किसमें न्यायाधिपति विवियन बोस ने सदोष मानववध तथा हत्या में विभेद उल्लिखित किया है? क्वेश्चन नंबर 113। अपने मकान में रात्रि में घुसता है जिसमें घुसने का वह विधिता अधिकारी है। ख सद्भाव में क को भेदक गृह भेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। क अपनी प्रतिरक्षा में ख पर आक्रमण करता है और उपहति कारित करता है। यहाँ पर क को ख के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि ख ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 114। क एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के लिए एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष है को मामूली सजा देता है। क बचाव के लिए किस धारा को ले सकता है? ख क को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए उकसाता है। ख अपनी चित्त विकृतता के परिणाम स्वरूप क के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया किंतु क एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 116। ख और ग को बसे हुए घर में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है। क और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और ग वह गृह भेदन करते हैं और यह द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर यह की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या का दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117। और एक पत्र ब को स की हत्या करने के लिए उकसाते हुए लिखता है परंतु वह पत्र उसके पास तक पहुंचता ही नहीं तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? प्रत्येक सुसंगत तथ्य ग्राह्य तथ्य नहीं होता किंतु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 120, धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सम्मिलित होते हैं। लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य साक्षियों की परीक्षा के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार दिया जा सकेगा? अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है? मृत्यु की प्रत्याशा में एक व्यक्ति जो बाद में जीवित रहता है द्वारा पुलिस को दिया गया कथन होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 126, न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने तथा सुसंगत तथ्यों को उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी के किसी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है? एक साक्षी को अभियुक्त के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, यद्यपि उससे अपराध के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सके हैं। विशेषाधिकार उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा में प्राप्त है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 किस बारे में प्रावधान करती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्णय करता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है? क अपना मकान एक पुलिस अधिकारी ख को जो किसी मामले का अन्वेषण कर रहा है कोई किराए पर इस ज्ञान के साथ देता है कि मकान का उपयोग ख एक चोर को यातना पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ख को यातना पहुंचाई भी गई, ऐसे मामले में दुष्प्रेरक का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 132, अ ने ब को स के घर से चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। ब ने मौका देखकर जब बस से जा रहा था उसकी जेब काट ली। अ जेब काटने के दुष्प्रेरण का उत्तरदायी नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के संबंध में उपधारा का प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 134,
निम्न में से किस मामले में अपराध न किए जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है न कि अभियोजन पर? आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 136। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 137। साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान कब जोड़े गए? क्वेश्चन नंबर 138। ओमेनिया प्रेसुम्प्टर राइट इज एक्टा सुक्ति का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 139। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 होता है? क्वेश्चन नंबर 140। अ ने ब को मृत्यु कारित करने के आशय से सोटा से उसे मारा और इसके लिए अ का परीक्षण होता है। अ के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादित तथ्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 141। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधोलिखित धाराओं में से किसमें रेस जस्टे के सिद्धांत बताए गए हैं? एक नियम यह है कि सुना सुनाया साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। क न्यायालय के में कथन करता है कि उसने बम को फटते हुए सुना जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हुई। क का कथन। क्वेश्चन नंबर 143। ख की हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने चिन्ह किस आधार पर सुसंगत हैं? क्वेश्चन नंबर 144। धारा 40 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ग्राम चौकीदार अचानक या अनैसर्गिक या ग्राम या उसके निकट 100 संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु या उसके किसी भाग की रिपोर्ट करता है। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तुरंत कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में उपबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का अध्याय 12 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 146। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पंचनामा से अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 147। स्व परीक्षा के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान निम्नलिखित में से किस पैरा के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 148। पैरा 136। अन्वेषण अधिकारी से निम्नलिखित में से किन मामलों में आवश्यक कदम उठाने चाहिए? करेक्ट आंसर इज डी। और ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात्रि 10 बजे से 11 बजे के मध्य लूट कारित की। अ को अधिकतम कितनी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 150। अ बॉ और उसके बच्चे को जंगल में मिलता है। अ बच्चे को पकड़ता है और उसे जाने से मार देने की धमकी देता है, बशर्ते कि ब अपना बटुआ अ को सौंप देता है। ब अपना बटुआ सौंप देता है, अ ने कारित किया। थैंक यू।